हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन का टॉपिक है डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, सब्जेक्ट कोड IE303। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम बेसिकली एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ही है, जिसमें एक्चुअल प्लांट जो कंट्रोल्ड है, आउटपुट वेरिएबल जो है कंट्रोल्ड वेरिएबल, वो एनालॉग फॉर्म में है और सेंसर भी एनालॉग सिग्नल को सेंस करते हैं। प्लांट का एक्चुएटर और प्रोसेस एनालॉग सिग्नल को रिसीव करते हैं एंड कंट्रोलर इज बेसिकली ए कंप्यूटर। सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द डिजिटल सिग्नल। सो कंप्यूटर रिसीव भी डिजिटल सिग्नल करेंगे और आउटपुट भी सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर से होगा। तो जैसे सेंसर जो है एनालॉग सिग्नल को सेंस करेंगे, तो उसको पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से आपको सिग्नल जो है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके फीडबैक देना पड़ेगा। उसी तरह से जब कंप्यूटर कंट्रोलर का आउटपुट जब कैलकुलेट करेगा, तो वो डिजिटल फॉर्म में होगा और फिर एक्चुएटर में फीड करने से पहले डिजिटल सिग्नल को एनालॉग फॉर्म में डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के द्वारा कन्वर्ट किया जाके और एक्चुएटर को फीड किया जाएगा। रेफरेंस इनपुट जो है वो कंप्यूटर में आप फीड कर सकते हैं, वो भी डिजिटल फॉर्म में ही होगा। तो इस तरह से कंप्यूटर जो है रेफरेंस इनपुट और फीडबैक इनपुट को लेके और उसका डिफरेंस कैलकुलेट करके एरर कैलकुलेट करेगा और एरर कैलकुलेट करने के बाद में एक कंट्रोलर आउटपुट जनरेट करेगा और वो कंट्रोलर आउटपुट जो है डिजिटल से फिर एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाके फिर एक्चुएटर को फीड किया जाएगा, जिससे एक्चुएटर मूवमेंट करेगा। जैसे मान लीजिए कंट्रोल वाल्व है, तो एक्चुएटर के आउटपुट के कारण प्रोसेस का जो कंट्रोल्ड वेरिएबल है वो कंट्रोल्ड किया जाएगा। तो इस तरह से ये डिजिटल कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है, जो कि बेसिकली एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है एंड कंट्रोलर जो है इसमें कंप्यूटर है। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम को एक डिफरेंट फॉर्म में दिखाया गया है, जिसमें बेसिकली एरर जो कैलकुलेट की जा रही है रेफरेंस इनपुट और फीडबैक इनपुट के बीच का जो डिफरेंस कैलकुलेट किया जा रहा है वो एनालॉग फॉर्म में है और फिर एरर को जो है एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर कंप्यूटर को फीड किया जा रहा है। उसी तरह से जो कंप्यूटर कंट्रोलर की तरह काम करेगा, वो आउटपुट डिजिटल फॉर्म में देगा और उस आउटपुट को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करके और फिर प्लांट एक्चुएटर को दिया जाएगा, जिससे कि प्लांट आउटपुट जो है वो कंट्रोल किया जा सकेगा। तो एक डिफरेंट फॉर्म में भी जो है डिजिटल कंट्रोल सिस्टम को यूज़ किया जाता है, जिसमें एरर जो है एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट एरर को एनालॉग फॉर्म में कैलकुलेट किया जाएगा और उसको फिर कंप्यूटर में एरर को फीड किया जाएगा। तो इस तरह से डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, ये भी एक डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का ही रूप है। नेक्स्ट देखिए, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल किस तरह से हो सकते हैं। जैसे एक कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें क्लोज लूप ड्रग डिलीवरी सिस्टम टू द पेशेंट। पेशेंट को कोई दवाई या ड्रग जो है वो ब्लड में मिलाया जाता है उनकी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए, उस ड्रग को एक ब्लड सेंसर के थ्रू जो है ड्रग की क्वांटिटी को सेंस किया जाता है और उसको कंप्यूटर में फीडबैक दिया जाता है और कंप्यूटर जो है रेफरेंस लेवल और एक्चुअल लेवल के डिफरेंस को कैलकुलेट करके एरर सिग्नल कैलकुलेट करता है और एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग जो है कंट्रोलर एक आउटपुट देता है, जिससे कि ड्रग पंप जो है रेगुलेट होता है। ड्रग पंप का जो वाल्व है वो रेगुलेट होता है और उस वाल्व के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है ब्लड में ड्रग को मिक्स किया जाता है और ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, जिससे कि जो है पेशेंट के अंदर ड्रग की क्वांटिटी को एक रेफरेंस लेवल तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी का ही एक ब्लॉक डायग्राम नीचे इसमें दिखाया गया है, जिसमें एक रेफरेंस ब्लड लेवल है,
जो कि कंप्यूटर को फीड किया जाता है। एक्चुअल ड्रग का जो लेवल है ब्लड सेंसर से और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू कंप्यूटर में फीड किया जाता है। एरर सिग्नल जनरेट होता है और एरर के अकॉर्डिंग एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा जो कि डिजिटल फॉर्म में होगा और डिजिटल फॉर्म से फिर एनालॉग में कन्वर्ट होकर ड्रग पंप को के वाल्व को कंट्रोल किया जाएगा, वाल्व की ओपनिंग को कंट्रोल किया जाएगा, जिससे कि वो कंट्रोल्ड वे में पेशेंट के ब्लड में मिलाया जा सके। यहाँ पे प्रोसेस देखिए, पेशेंट है और पेशेंट का जो ड्रग लेवल है ब्लड में वो एक आउटपुट कंट्रोल्ड वेरिएबल है। तो इस तरह से एक डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है जिसमें कंप्यूटर जो है एज ए कंट्रोलर काम कर रहा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए, जिसमें एक एयरक्राफ्ट को जो है डिजिटल कंट्रोल सिस्टम या कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें कंप्यूटर जो है एक डिजिटल कंट्रोलर है, पायलट का कमांड जो भी मिलता है कंप्यूटर उसमें एरर को कैलकुलेट करता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल वैल्यू जो है उसकी। जैसे मान लीजिए हाइट एयरक्राफ्ट की सेंस कर सकता है एयरक्राफ्ट सेंसर और उसको सिग्नल को फिर डिजिटल में कन्वर्ट करके और कंप्यूटर को फीड किया जाता है। तो एक्चुअल हाइट और रेफरेंस कमांड में जो एरर डेवलप होती है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है जो कि डिजिटल फॉर्म में होता है और वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट होके और टर्बोजेट इंजन को वो सिग्नल जाता है जिससे कि फ्यूल की सप्लाई इंक्रीज होती है और एयरक्राफ्ट या उनके जो पंख है उनकी उनके एक्चुएटर को इनपुट जाता है जिससे कि हाइट बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह से ये कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। उसी तरह से एक दूसरा इनपुट है जो कि फीडबैक किया जाता है और कंप्यूटर में कमांड सिग्नल के अकॉर्डिंग एक्शन होता है और उसी के अकॉर्डिंग एयरक्राफ्ट का जो दूसरा पैरामीटर है वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से कंप्लीट जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं एयरक्राफ्ट के वो क्लोज लूप फॉर्म में कंप्यूटर के द्वारा डिजिटल कंट्रोल सिस्टम की फॉर्म में जो है कंट्रोल किए जाते हैं। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन है दो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम की। थैंक यू। इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।